राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर है। उन्होंने सबसे पहले चरखी दादरी में रैली की, इसके बाद वह सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया। अब राहुल गांधी पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चरखी दादरी में रैली के दौरान मंच पर राहुल के सामने बेटी श्रुति की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट राव दान सिंह भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर उंगलियां दिखाई। इसके बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके एक महीने बाद 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश का बेटा हूँ और पीएम नरेंद्र मोदी देश के राजा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को पहली पक्की नौकरी देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा, वहीं दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।